नमस्कार दोस्तों, निकमी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल में भी हमारे क्या चल रहे थे, अभयारण्य चल रहे थे। हमने कल 3 अभयारण्यों के बारे में चर्चा की थी। कौन कौन से अभयारण्यों के बारे में चर्चा की थी वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में हमने चर्चा की थी, और आगे बात करते हैं तो हमने किस अभयारण्य के गजनेर अभयारण्य के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद में हमने माउंट आबू अभयारण्य के बारे में चर्चा की थी। इब आज हम एक और अभयारण्य आपके सामने लेकर हाजिर है, फुलवारी की नाल अभयारण्य। फुलवारी की नाल अभयारण्य, आपसे पहला ही क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि फुलवारी का नाल अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो फुलवारी की नाल अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो उदयपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1983 की हुई थी। तो ये कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए, कहाँ पूछ लिया जाए तो उदयपुर में, तो ये स्थित है उदयपुर में। और आपको पूछ लिया जाए स्थापना 6 अक्टूबर 1983 को, 6 अक्टूबर 1983 को क्या हुई थी, इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इन नोट लगा के क्वेश्चन लिखो। यह है राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। कौन सा अभयारण्य है, सर दोस्तों फुलवारी के नाल नहीं है, दूसरा छोटा अभयारण्य। तो यह कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 6 अक्टूबर 1983 को इसकी स्थापना की गई थी। यह कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, यह सोम माही जाखम नदी के संगम पर स्थित है। सोम माही जाखम नदियों के संगम पर स्थित है, नदियों के संगम पर स्थित है, संगम पर स्थित है, पर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए सोम माही जाखम नदी के संगम पर कौन सा अभयारण्य स्थित है, फुलवारी की नाल अभयारण्य स्थित है। आगे बात करते हैं, इसको पानी की आपूर्ति कौन कराता है, सोम नदी, यह इसे पानी की आपूर्ति कराती है, पानी की आपूर्ति करवाती है। आगे लिखो दोस्तों, इस अभयारण्य में महाराणा प्रताप की जन्म स्थली के लिए प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य महाराणा प्रताप की कर्म स्थली के लिए प्रसिद्ध है। जन्म स्थली के लिए दूसरा अभयारण्य कर्म स्थली के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कर्म स्थली के लिए प्रसिद्ध है, यह अभयारण्य महाराणा प्रताप की कर्म स्थली के लिए प्रसिद्ध है, कर्म स्थली के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा अभयारण्य महाराणा प्रताप की कर्म स्थली के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा अभयारण्य है, फुलवारी की नाल अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं, इस बांध के किनारे, इस अभयारण्य के किनारे मेहद बांध स्थित है। तो इसके किनारे लिखो दोस्तों, इसके किनारे मेहंदी बांध स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए मेहंदी बांध किस अभयारण्य के किनारे पर स्थित है, तो फुलवारी की नाल अभयारण्य के किनारे मेहंदी बांध स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यहाँ क्या सर्वाधिक पाए जाते हैं, यहाँ टीक प्रजाति के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। तो लिखो दोस्तों, यहाँ टीक प्रजाति के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं, तो कौन सी प्रजाति के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं, टीक प्रजाति के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं किस अभयारण्य में, फुलवारी की नाल अभयारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यहाँ बाघ सांबर व चित्तल पक्षी सर्वाधिक पाए जाते हैं, यहाँ बाघ चित्तल व सांबर पक्षी पाए जाते हैं।
तो हमने क्या पढ़ा अभी, फुलवारी किनाल अभयारण्य पढ़ा। फुलवारी किनाल अभयारण्य कहाँ स्थित है? फुलवारी किनाल अभयारण्य उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 अक्टूबर 1983 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। आगे हमने क्या पढ़ा, सोमवाही जाखम नदी के किनारे के संगम पर स्थित है कौन सा अभयारण्य? फुलवारी किनाल अभयारण्य। इसको पानी की आपूर्ति कौन सी नदी कराने का काम करती है? तो सोम नदी इसे पानी की आपूर्ति कराने का काम करती है। और इस के किनारे पर कौन सा बांध स्थित है? तो मेहंदी बांध इसके किनारे पर स्थित है। यह महाराणा प्रताप की क्या है, इस अभयारण्य में महाराणा प्रताप की क्रम स्थली के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ टीक प्रजाति के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। तो आपसे यह क्वेश्चन आ सकता है कि टीक प्रजाति के सर्वाधिक वृक्ष किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो टीक जाति के सर्वाधिक वृक्ष फुलवारी किनाल अभयारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ बाघ, चीतल व सांबर पक्षी भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगले अभयारण्य के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं हम कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपसे पूछ लिया जाए, यह 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से जिले? उदयपुर, पाली और राजसमंद में। तो आपसे पूछ लिया जाए कहां है, तो कहां है उदयपुर, उदयपुर पाली, पाली वह राजसमंद में, वह राजसमंद में। तो उदयपुर पाली राजसमंद में कौन सा अभयारण्य आपसे पूछ लिया जाए, तो कौन सा अभयारण्य है? कुंभलगढ़ अभयारण्य। यह कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपसे पूछ लिया जाए, तो यह बनास व सांबरवती नदी के संगम पर स्थित है। तो लिखो दोस्तों, यह है बनास व, बनास व साबरमती, साबरमती के संगम पर स्थित है, के संगम पर स्थित है। सांबरवती और बनास व सांबरवती नदी के संगम पर कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो कुंभलगढ़ अभयारण्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भेड़ियों की प्रजनन स्थली व लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यह है, यह है भेड़ियों की, भेड़ियों की प्रजनन स्थली, प्रजनन स्थली, स्थली वह लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है, वह लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है, लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। तो भेड़ियों की प्रजनन स्थली वह लोमड़ी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो कुंभलगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करें तो यहाँ रणकपूर जैन मंदिर स्थित है। देखो दोस्तों, इस अभयारण्य में, इस अभयारण्य में, अभयारण्य में रणकपूर, 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 रणकपूर जैन मंदिर स्थित है, जैन मंदिर स्थित है, मंदिर स्थित, स्थित है। और कौन सी नदी पर? यह मेथाई नदी पर स्थित है। लिखो दोस्तों, यह मेथाई नदी पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है रणकपूर जैन मंदिर किस नदी पर स्थित है? मेथाई नदी पर। यह मेथाई नदी, नदी पर स्थित है, मेथाई नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, सब राजस्थान में सर्वाधिक खंभों वाला मंदिर भी इसी बोला जाता है, 1444 खंभे स्थित है। तो यह रणकपूर जैन मंदिर है। और कौन सी नदी पर? मेथाई नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? मेथाई नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम इस अभयारण्य के बारे में चर्चा करें तो यहाँ क्या प्रसिद्ध है, और यहाँ चंदन के वृक्ष प्रसिद्ध है। यहाँ, यहाँ चंदन के वृक्ष प्रसिद्ध है, चंदन के वृक्ष प्रसिद्ध हैं। यहाँ के चंदन के वृक्ष क्या है? प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे चर्चा करें तो यहाँ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली व कुंभा की मृत्यु स्थली के लिए प्रसिद्ध है। यह, यह महाराणा प्रताप की जन्म स्थली, महाराणा, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली, प्रताप की जन्म स्थली, जन्म स्थली वह
वह कुंभा की मृत्यु स्थली के लिए प्रसिद्ध है। कुंभा की मृत्यु स्थली के लिए प्रसिद्ध है। मृत्यु स्थली स्थली के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य महाराणा प्रताप की तो क्या हुई थी, इन पे जन्म हुआ था, और कुंभा की क्या हुई थी, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, उसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके सामने कौन सा अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के बारे में हमने क्या पढ़ा, इसे अभी राष्ट्रीय अभ्यारण्य के लिए प्रस्तावित किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा, ये किस किन किन जिलों में फैला हुआ है, तो उदयपुर पाली व राजसमंद में तो ये फैला हुआ है। कौन सा अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए तो बनास व साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। यहाँ भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, आपसे पूछ लिया जाए तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यहाँ लोमड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इस अभ्यारण्य में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक खंभों से युक्त मंदिर है। 1444 खंभे हैं जिसमें भगवान के दर्शन करते हैं, तो एक भी खंभा क्या नहीं आता है, सामने नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से इसका निर्माण करवाया गया है। और कौन सी नदी पर स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए रणकपुर जैन मंदिर, तो रणकपुर जैन मंदिर मेथाई नदी के किनारे पर स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं चंदन के वृक्ष के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो चंदन के वृक्ष के लिए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, और आगे चर्चा करते हैं तो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली व कुंभा की मृत्यु स्थली के लिए भी है अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं अगले अभ्यारण्य की, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में यह स्थित है, उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यह राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो यह है राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य, लिखो दोस्तों, यह है राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य, दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है। और आगे आपसे पूछ लिया जाए, यह मेवाड़ शासकों के शिकारगाह स्थल है, तो लिखो दोस्तों, यह है मेवाड़ शासकों का शिकारगाह स्थल था। पहले जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे तो वो कहाँ शिकार करने के लिए आते थे, शिकारगाह स्थल था, तो कहाँ शिकार करने के लिए आते थे, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत शिकार करने के लिए आते थे। इसमें प्रमुख पशु कौन से पाए जाते हैं, प्रमुख जीव तो प्रमुख जीव आपसे पूछ लिए जाए तो एक तो शेर, बाघ, जंगली सुअर कृष्ण मृग, और आगे बात करें जंगली मुर्गे, ये प्रमुख इसमें पक्षी पाए जाते हैं, कौन से अभ्यारण्य में, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, जैसे लंगूर भी लिख लो। ठीक है दोस्तों, यह अभ्यारण कौन सा अभ्यारण पढ़ा हमने, सज्जनगढ़ अभ्यारण पढ़ा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जयसमंद अभ्यारण्य। जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, कौन सा अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य। ये जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए। मैंने जयसमंद झील कहाँ बताई थी आपको पहले, या आपको कमेंट करके बताना है कि जयसमंद झील कहाँ स्थित है।
मैंने आपको जल संबंध अभियान बताऊं तो पहले उदयपुर के अंतर्गत आता था, वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है, यह सलूम्बर जिले के अंतर्गत आता है। तो जल संबंध अभियान कहाँ स्थित है, तो जल संबंध अभियान सलूम्बर के अंतर्गत है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में। तो यह कहाँ स्थित है, सलूम्बर के अंतर्गत स्थित है, सलूम्बर, सलूम्बर में है, सलूम्बर में है। और स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना कब हुई, तो स्थापना 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी सलूम्बर में, जय संबंध अभयारण्य की स्थापना हुई थी। यहाँ जलीय जीवों की संख्या अधिक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ जलीय जीवों की अधिकता के कारण, यहाँ जलीय जीवों की अधिकता के कारण, जलीय जीवों की अधिकता के कारण इसे जलीय जीवों की बस्ती कहा जाता है। जलीय जीवों की बस्ती कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए, जलीय जीवों की बस्ती किसे कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जय संबंध अभयारण्य को जलीय जीवों की बस्ती कहा जाता है। और यहाँ सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो बघेरे और मगरमच्छ इस अभयारण्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मगरमच्छ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मगरमच्छ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, बघेरे, वह सर्वाधिक बघेरे व मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो यहाँ इस अभयारण्य के किनारे कौन सी झील स्थित है, तो जय संबंध झील भी इस अभयारण्य के किनारे स्थित है। तो लिखो दोस्तों, इस अभयारण्य के किनारे जय संबंध झील स्थित है, जय संबंध झील स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए, जय संबंध झील कहाँ स्थित है, तो जय संबंध झील जय संबंध अभयारण्य के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये थे अभयारण्य। कौन कौन से अन्य अभयारण्य पढ़े हैं, सज्जनगढ़ अभयारण्य पढ़ा। सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में स्थित है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। तो राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा हुआ, सज्जनगढ़ हुआ। राजस्थान का पहला छोटा अभयारण्य कौन सा हुआ, तो सरिस्का है, राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य हुआ। ठीक है दोस्तों, यह मेवाड़ शासकों की क्या है, शिकारगाह स्थली के रूप में जाना जाता है। कौन से अभयारण्य को, सज्जनगढ़ अभयारण्य को। आगे बात करते हैं, इसमें प्रमुख जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, तो शेर, बाघ, जंगली सुअर, कृष्णा मृग व जंगली मुर्गे और लंगूर इसमें प्रमुख जीव पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, आगे कौन सा अभयारण्य है, जय संबंध अभयारण्य है। जय संबंध अभयारण्य है कहाँ पर स्थित, तो यह आपको बात याद रखनी है कि यह है कहाँ पर स्थित है, सलूम्बर में स्थित है, क्योंकि यह नए जिले के अंतर्गत स्थित है, इसलिए आपको इसे ज्यादा याद रखना है। क्योंकि पहले रटा हुआ है कि जय संबंध अभयारण्य कहाँ स्थित था, पहले उदयपुर में था, वर्तमान में कौन से जिले में आ गया है, ये सलूम्बर में आ गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस अभयारण्य में जलीय जीवों की अधिकता होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, जलीय जीवों की बस्ती भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि जलीय जीवों की बस्ती किसे, किस अभयारण्य को कहा जाता है, तो जलीय जीवों की बस्ती जय संबंध अभयारण्य को कहा जाता है। यहाँ बघेरे व मगरमच्छ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो बघेरे व मगरमच्छ सर्वाधिक मात्रा में किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो जय संबंध अभयारण्य में पाए जाते हैं। इस अभयारण्य के किनारे पर कौन सी झील स्थित है, तो जय संबंध झील स्थित है। आपको कमेंट में बताना है कि जय संबंध झील का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा में इतना ही। बचे हुए अभयारण्य को हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व कक्षा के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। दोस्तों धन्यवाद।